Bismillah hirrahmanirrahim Welcome to Sandal College voice section online class Dear students assalamualaikum alaikum here is Akhtar Saeed your English teacher I hope you might be safe and sound with your families I wish you the best of luck Today, we'll discuss present perfect continuous tense, a very important tense, I must tell you. Let's start with its definition. Present perfect continuous tense is used to express an action that started in the past. Present perfect continuous tense किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अब से पहले कहीं शुरू हुआ जो माजी में कभी शुरू हुआ एंड इज़ कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम और अब तक यानी मौजूद लमहे तक वो जारी हालत में है वो हो रहा है ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुस टेंस यूज़ करते हैं आइए देखते हैं उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है अगर उर्दू फिक्रा के आखिर में ता रहा है ती रही है या फिर ते रहे हैं आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुस टेंस का सेंटेंस कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनस टेंस की पहचान दो तरह से होती है अगर उर्दू फिक्रा के आखिर में रहा है रही है या फिर रहे हैं आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुस टेंस का सेंटेंस हो सकता है आप कहेंगे कि के रहा है रही है और रहे हैं तो प्रेजेंट कन्टीन टेंस में आता है आप ही ने अपने लेक्चर में बताया था यस ऐसा ही है अगर उर्दू फिक्रा के आखिर में सिंपल रहा है रही है रहे हैं आ जाए तो वो प्रेजेंट कन्टिनस टेंस का ही सेंटेंस होता है लेकिन अगर उसके साथ वक्त या मुद्दत का भी जिक्र आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुस टेंस का सेंटेंस कहलाएगा आइए उर्दू में कुछ फ़िक्रे देखते हैं कि ये किस तरह के होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कन्टीस टेंस के सेंटेंसेस मैं सुबह से सबक याद कर रहा हूँ एंड पे आया रहा हूँ और यहाँ सुबह से यानी पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा है मैं सुबह से सबक याद कर रहा हूँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कन्टीन टेंस का सेंटेंस है इसी सेंटेंस को इस एंगल से भी देखते हैं मैं सबक याद करता रहा हूँ अब सेंटेंस के एंड पे आया ता रहा हूँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुस टेंस का ही सेंटेंस कहलाएगा आइए एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चे दो घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं उर्दू फिक्रा के आखिर में आया रहे हैं और साथ यहाँ दो घंटों से यानी ड्यूरेशन का जिक्र है तो ये बच्चे दो घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनस टेंस का सेंटेंस है इसी सेंटेंस को हम एक और एंगल से भी देखते हैं बच्चे क्रिकेट खेलते रहे हैं अब ते रहे हैं आ गया है तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस कहलाएगा आई होप कि इस पहचान की समझ आ गई होगी जरा बस ये आपने ध्यान रखना है ता रहा है ती रही है ते रहे हैं हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुअस टेंस का सेंटेंस है और अगर रहा है रही है रहे हैं हो किसी सेंटेंस के एंड पे तो आपने ये देखना है कि अगर इसके साथ वक्त या मुद्दत का जिक्र है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुअस टेंस का सेंटेंस है अगर ये नहीं है तो फिर वो इससे पहले प्रेजेंट कंटिनुअस टेंस का सेंटेंस होगा आई होप कि आपको अब इसकी समझ आ गई होगी अब देखते हैं अगर उर्दू से इंग्लिश में हमने ट्रांसलेशन करनी है तो उसके लिए इंग्लिश में इस टेंस की कंस्ट्रक्शन क्या है या इसका फॉर्मूला क्या है डेयर स्टूडेंट्स इस इट्स कंस्ट्रक्शन आ फॉर्मूला अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो उसके साथ हम हैज़बिन लिखेंगे ही शी इट आर थर्ड पर्सन सेंगुलर सिंगुलर नाउन में भी अली आर मून आर द टीचर दैट इज़ सेंगुलर वाइट हैज़बिन अगर सेंटेंस आई वी यू या दे से स्टार्ट हो या प्लूरल प्रोनाउन के स्टा साथ स्टार्ट हो तो हम हैव बीन लिखेंगे आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन शी, इट आर आल्सो थर्ड परसन प्रोनाउन बट दे आर सिंगुलर दे इज़ थर्ड परसन प्रोनाउन एज शी, इट बट दे इज़ आ थर्ड पर्सन प्लूरल सो हैज़ बीन आर हैव बीन लिखने के बाद हम क्या करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके साथ आई एन जी का इजाफा करेंगे अगर आप फर्स्ट फॉम के साथ आई एन जी एड कर दें तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है इसे नॉर्मली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है आई एन जी कैसे जैसे राइट से राइटिंग ड्रिंक drink से ड्रिंकिंग गो uh, go से गोइंग एट्सट्रा आफ्टर राइटिंग फर्स्ट फॉम ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी विल राइट दी ऑब्जेक्ट सर्टन केसेज में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम फिर वहाँ नहीं लिखेंगे आफ्टर राइटिंग द ऑब्जेक्ट विल राइट सेंस एंड फॉर सेंस एंड फॉर की डिटेल के किसके साथ सेंस आना है और किसके साथ फ़ॉर आना है इसको मैंने बड़ी डिटेल के साथ अगली स्लाइड में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये सारे के सारे जो हमने अभी ये कंस्ट्रक्शन देखी है इसको हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं या इसको हम असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं अब अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो उसका क्या तरीका होगा इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद ही शी इट आर सिंगुलर नाउन विल राइट हैज़ कीप इट इन माइंड will not write been with has in the negative sentences if a sentence starts with i v u they are plural noun we'll write have after writing has or have we'll write not has not have not न बीन बहुत से स्टूडेंट्स जो मैंने ऑब्जर्व किया गलती कर जाते हैं वो ये करते हैं कि हैज़ बी नाट लिख देते हैं या हैव बी नाट लिख देते हैं ऐसा नहीं करना हैज़ नाट बीन हैव नाट बीन देन देर विल भी नो अदर चेंज इन द कंप्लीट सेंटेंस एज़ वी रोट हीयर इन द सेम वे आई रोट हीयर

एक तो फॉर यूज किसके लिए होता है फॉर इज यूज फॉर अ कैलकुलेटेड टाइम जिसको आप कैलकुलेट कर सकें मुद्दत हो जिसमें उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं जैसे आवर्स आर्स के साथ हम जैसे टू आवर्स फार टू आर्स फॉर थ्री आवर्स एक्सेट्रा इन द सेम वे सेकेंड्स के साथ या मिनट्स के साथ मिनटों से हो या सेकेंड के साथ हो तो भी हम फॉर यूज़ करेंगे जैसे फॉर थ्री सेकेंड्स फॉर टेन सेकेंड्स इसी तरह फॉर टू मिनट्स फॉर फाइव मिनट्स इन द सेम वे डेज अगर हो दो दिनों से फॉर टू डेज पाँच दिनों से फार फाइव डेज फॉर कई दिनों से फॉर मैनी डेज इसी तरह वीक्स Uh, दो हफ़्तों से फॉर टू वीक्स एक हफ़्ते से फॉर वन वीक एट्सट्रा इसी तरह मंथ्स की तादाद होगी तो फॉर यूज़ करेंगे फॉर टू मंथ्स फॉर थ्री मंथ्स एट्सट्रा इन द सेम वे यर्स दो सालों से टू यर्स दस सालों से फॉर टेन ईयर्स इसी तरह uh, कई सालों से हो तो फॉर मैनी यर्स सेंचुरीज के साथ भी हम फॉर यूज़ करेंगे जैसे दो सदियों से फ़ॉर टू सेंचुरीज कई सदियों से फ़ॉर मैनी सेंचुरीज़ अ लॉन्ग टाइम के साथ भी हम फॉर यूज़ करेंगे फ़ॉर अ लॉन्ग टाइम ये तो हो गया वो फ्रेज़िज़ uh, जिनके साथ हमने फॉर यूज़ करना है अब देखना है कि सिंस कहाँ यूज़ होता है सिंस यूज़ होता है अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ वक्त का एक पॉइंट बताया गया हो वहाँ से लेकर तो उसके लिए हम सेंस यूज़ करते हैं जैसे ओ क्लॉक ओ क्लॉक का एग्जैक्ट टाइम हो जैसे सेवन ओ क्लॉक हो तो हम लिखेंगे सेंस सेवन ओ क्लॉक पाँच बजे से हो तो सेंस फाइव ओ क्लॉक एट्सट्रा इसी तरह दिन का कोई नाम होगा जैसे हफ्ते से होगा तो सेंस सैटरडे इसी तरह इतवार से हो तो सेंस संडे uh, एक बात का आपने ख्याल रखना है अगर दिनों की तादाद होगी तो हम फॉर यूज़ करेंगे दिनों का नाम होगा तो हम सेंस यूज़ करेंगे इसी तरह मंथ्स uh, का की तादाद होगी तो हम फॉर यूज़ करेंगे मंथ का नाम होगा तो हम सेंस यूज़ करेंगे जैसे सेंस नवंबर सेंस दिसंबर सेंस जनवरी एट्सट्रा इसी तरह ईयर का नाम होगा जैसे 2015 तो सेंस यूज़ करेंगे ईयर year की ईयर्स की तादाद होगी तो फॉर यूज़ करेंगे इसी तरह दिन का कोई वक्त होगा जैसे सेंस मॉर्निंग सेंस नून सेंस आफ्टरनून सेंस इवनिंग सेंस लास्ट नाइट सेंस यस्टरडे अगर ये हो परसों से यस्टरडे तो कल से हो गया अगर हो परसों से तो भी हम सेंस यूज करेंगे द डे बिफोर यस्टरडे अगर हो बचपन से तो इसके साथ भी चाइल्डहुड बॉयुड यूथ सिंस एजिस अगर जमानों से हो तो उसके साथ हम सेंस एजिस यूज करेंगे अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं मैं दो घंटों से खत लिखता रहा हूं फर्स्ट स्टेप इज दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोई भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनस टेंस का सेंटेंस है तो उस सेंटेंस उर्दू सेंटेंस के एंड पे देखें क्या है यहाँ है लिखता रहा हूँ और यहाँ तो दो घंटों से भी जिक्र है और फिर अगला स्टेप है कि इसका सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट है मैं मैं कि इंग्लिश आई आई के साथ हम हैव बीन यूज़ करते हैं तो आई Have been writing a letter for two hours. I have been writing a letter for two hours. If we want to change it into negative sentence, we'll just write uh, not after helping verb has or have. So here I have not been writing a letter for two hours. I have not been writing a letter. फॉर टू आवर्स इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इट इन टू इंटरगेटिव सेंटेंस तो हम क्या करेंगे हैज़ या हैव को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर टू आवर्स हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर टू आर्स एंड हीयर क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ऑल द इंटरॉगेटिव सेंटेंसिज एंड नवर फोगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क हियर सेंटेंस नंबर वन वो सुबह से अपना होमवर्क कर रहा है वॉट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस वो सेंटेंस के एंड से पता चलती है रहा है अब इसमें सात सुबह से यानी पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा है तो ये प्रज़ेंट परफेक्ट कन्टीन्यूस टेंस है जैसे ही ये पता चले कि यह प्रज़ेंट परफेक्ट कन्टिनस टेंस का सेंटेंस है तो फ़ौर आपके जहन में फार्मूला आना चाहिए कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए कि हेज़बिन और हैव बिन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है अब देखना है कि इसका सेकेंड स्टेप क्या है वह है कि इसका ये पता करना कि इसका सब्जेक्ट क्या है इसका फर्स्ट वर्ड क्या है दैट इज़ वो वो की इंग्लिश ही ही के साथ हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग सेंटेंस नंबर टू बच्चे दो घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं वॉट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ये आइडेंटिफाई करना कि यह किस टेंस का फ़िक्र है तो रहे हैं आ गया सात दो घंटों से भी इसमें ज़िक्र है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनस टेंस का सेंटेंस है सेकेंड स्टेप के इसका सब्जेक्ट क्या है वो है बच्चे बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन ये प्लूरल नाउन है इसके साथ हम हैव बीन यूज़ करते हैं द चिल्ड्रन हैव बीन पलेंग क्रिकट सेंस मॉर्निंग द चिल्ड्रन हैव बीन पलेंग क्रिकेट सेंस मॉर्निंग सेंटेंस नंबर थ्री दर्जी मंगल से मेरे कपड़े नहीं सी रहा है वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस वो सेंटेंस के एंड से पता चलती है रहा है तो ये कौन सा टेंस हुआ प्रजेंट परफेक्ट कंटिनुअस टेंस क्योंकि इसमें दिन का जिक्र है मंगल से पॉइंट ऑफ टाइम है अब सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है वो है दर्जी दर्जी की इंग्लिश टेलर उसके साथ हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं और ये नेगेटिव है तो हम साथ नॉट भी यूज़ करेंगे द टेलर हैज़ नॉट बीन सीइंग माई क्लोथ्स सेंस ट्यूजडे द टेलर हैज़ नॉट बीन सीइंग माई क्लोथ्स सेंस ट्यूजडे सेंटेंस नंबर फोर उस्ताद साहब पढ़ाते रहे हैं वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ टेंस पढ़ाते रहे हैं अब साथ ते का इजाफा है तो ते रहे हैं हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है वट इज़ द सेकेंड स्टेप दैट इज़ दब्जेक्ट टू नो वट इज द सब्जेक्ट हीयर दैट इज़ उस्ताद उस्ताद की इंग्लिश टीचर टीचर सिंगुलर नाउन है इसके साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे द टीचर हैज़ बीन टीचिंग द टीचर हैज़ बीन टीचिंग सेंटेंस नंबर फाइव क्या असलम पाँच मिनट से तकरीर कर रहा है वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रहा है साथ पाँच मिनट का भी जिक्र आ गया मुद्दत का जिक्र आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुअस टेंस का सेंटेंस हुआ अब देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ क्या है अब तो मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी कि क्या के साथ हम क्या हाल करते हैं हम उसको ऐसे काट देते हैं अब हमारे पास सेंटेंस बचा असलम पाँच मिनट से तकरीर कर रहा है आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है असलम सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम हैज़बिन यूज़ करेंगे अब यह इंट्रोगेटिव है तो हैज़ को सेंटेंस के हम स्टार्ट में ले आएँगे has aslam been delivering a speech for 5 minutes has aslam been delivering a speech for 5 minutes and never forget to put question mark at the end of all the interrogative sentences let's see some more examples dear students sentence number 6 नक्शा नवीस एक हफ़्ते से इमारत का नक्शा बना रहे हैं वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रहे हैं साथ एक हफ्ते से जिक्र है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुअस टेंस का सेंटेंस है सेकेंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है नक्शा नवीस नक्शा नवीस की इंग्लिश होती है ड्राफ्टसमन अब यहाँ से पता चला रहे हैं से कि ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम हैव बीन यूज़ करेंगे द ड्राफ्टसमन हैव बीन ड्रॉइंग द मैप ऑफ द बिल्डिंग फॉर आ वीक द ड्राफ्ट मैन हैव बीन ड्रॉइंग द मैप ऑफ द बिल्डिंग फॉर आ वीक सेंटेंस नंबर सेवन वो टी वी की मुरम्मत करता रहा है अब एंड पे आ गया करता रहा है से पता चला कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनस टेंस का सेंटेंस है और इसका सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट है वो वो की इंग्लिश ही, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है इसके साथ हम हैज़ been यूज़ करते हैं ही हैज़ बीन रिपेयरिंग द टी वी ही हैज़ बीन रिपेयरिंग द टी वी सेंटेंस नंबर एट क्या वो लंबे अरसे से गरीबों की मदद करता रहा है वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ता रहा है से पता चला और यहाँ तो लंबे अरसे का भी जिक्र है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुअस टेंस का सेंटेंस है अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ क्या है क्या को हम समझेंगे नहीं है इसका हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे वो लंबे अरसे से गरीबों की मदद करता रहा है ही ही के साथ हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं ही हैज़ बीन अब चूंकि इसका इंट्रोगेटिव बनाना है हैज़ को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे ऐसे हैज़ ही बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर अ लॉन्ग टाइम हैज़ ही बीन helping the poor for a long time and never forget to put question mark at the end of the interrogative sentences sentence number 9 हमारे वालदेन बचपन से हमें नसीहत करते रहे हैं वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ते रहे हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुअस टेंस का सेंटेंस है और यहाँ तो बचपन से यानी वक्त की तरफ भी इशारा है वट इज़ द सेकेंड स्टेप दैट इज़ सब्जेक्ट के बारे में जानना हमारे वालदेन आर पेरेंट्स ये प्लूरल नाउन है इसके साथ हम हैव बीन यूज़ करते हैं वी हैव बीन आर पेरेंट्स हैव बीन एडवाइजिंग अस सेंस आर चाइल्ड हुड आर पेरेंट्स हैव बीन एडवाइजिंग अस सेंस आर चाइल्ड हुड सेंटेंस नंबर टेन लड़कियाँ शाम से हार बना रही हैं वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ टेंस दैट इज़ रही हैं और साथ शाम से यानी पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा है तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और सेकेंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है लड़कियाँ यानी गर्ल्स गर्ल्स प्लूरल नाउन है इसके साथ हम हैव बीन यूज़ करते हैं द गर्ल्स हैव बीन मेकिंग गल्ड्स सेंस इवनिंग The girls have been making garlands since evening. Sentence number eleven. हम पाँच साल से इस घर में रह रहे हैं वट इज़ द फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रहे हैं और इसके साथ पाँच साल की तरफ भी इशारा है मुद्दत की मुद्दत का जिक्र है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है सेकेंड स्टेप के इसका सब्जेक्ट क्या है दैट इज़ हम हम इज़ फर्स्ट पर्सन और इसके साथ हम हैव बीन यूज़ करते हैं वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर फाइव यर्स वी हैव बीन लिविंग उंड इन दिस हाउस फॉर फाइव सेंटेंस नंबर ट्वेल्व दोपहर से बारिश हो रही है फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रही है और साथ दोपहर से भी जिक्र है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स ये याद रखें मौसम के लिए और वक्त के लिए हम उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इट यूज करते हैं इट सिंगुलर नाउन है थर्ड पर्सन सिंगुलर उसके साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग सेंस नून इट हैज़ बीन रेनिंग सेंस नून इट जो है ये इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पे यूज़ होता है क्या माली कई सालों से फूलों की देखभाल कर रहा है वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ टेंस रहा है साथ कई सालों से ज़िक्र आ गया यानी मुद्दत की तरफ इशारा है जिक्र है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुअस टेंस कहलाएगा अब देखना है फर्स्ट सेकेंड स्टेप में कि इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ तो स्टार्ट में क्या है क्या को हम क्रॉस कर देंगे सचमुच नहीं करेंगे तस्वर में करेंगे कि यहाँ नहीं है माली माली से सेंटेंस अब स्टार्ट हुआ माली की इंग्लिश गार्डनर वो सिंगुलर नाउन है इसके साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे द गार्डनर हैज़ बीन इंट्रोगेटिव हैज़ को हम स्टार्ट में लिख देंगे हैज़ द गार्डनर बीन लुकिंग आफ्टर द फ्लार्स फॉर इयर्स हैज़ द गार्डनर बीन लुकिंग आफ्टर द फ्लार्स फॉर मैनीजियर्स एंड यू नो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नंबर फोरटीन हम नमाज पढ़ते रहे हैं अब फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ते रहे हैं अब ये देखें ते रहे हैं आ गया है तो ना कोई यहाँ वक्त का ज़िक्र है ना कोई यहाँ मुद्दत का जिक्र है लेकिन ते रहे हैं की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुअस टेंस का सेंटेंस कहलाएगा सेकंड स्टेप के इसका सब्जेक्ट क्या है दैट इज़ हम हम की इंग्लिश वी वी इज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसके साथ हम हैव बीन यूज़ करते हैं वी हैव बीन ऑफरिंग आर प्रेयर्स वी हैव बीन ऑफरिंग आर प्रेयर्स सेंटेंस नंबर फिफ्टीन बच्चा सुबह से खिलौनों से खेलता रहा है ता रहा है आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुअस टेंस का सेंटेंस है और साथ यहाँ सुबह का भी जिक्र है सेकेंड स्टेप बच्चा ये सब्जेक्ट है बच्चा चाइल्ड सिंगुलर नाउन इसके साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग विद द टॉयज सेंस मॉर्निंग द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग विद द टॉयज सेंस मॉर्निंग सेंटेंस नंबर सिक्सटीन लोग कई दिनों से अपने घरों को सजाते रहे हैं वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ टेंस वो एंड से पता चलेगी रहे हैं और साथ कई दिनों से है तो ये टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और सेकेंड स्टेप में इसका सब्जेक्ट क्या है दैट इज़ लोग लोग लोक इंग्लिश पीपल पीपल के साथ हम हैव बीन यूज़ करते हैं द पीपल हैव बीन डेकोरेटिंग देयर हाउसेज़ फॉर मैनी डेज The people have been decorating their houses for many days. Sentence number seventeen Kya खाने का इंतज़ार कर रहे हैं वॉट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ टेंस वो हमें एंडिंग वर्ड से पता चलती है रहे हैं और साथ दस बजे का भी जिक्र है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कन्टीन्यूस टेंस हुआ और सेकेंड स्टेप में इसका सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ क्या है क्या को समझेंगे हम यहाँ नहीं है तो सेंटेंस बनता है मेहमान दस बजे से खाने का इंतजार कर रहे हैं मेहमान प्लूरल है गेस्ट्स इसके साथ हम बीन यूज करते हैं द गेस्ट हैव बीन अब हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस बनेगा हैव द गेस्ट बीन वेटिंग फॉर मील सिंस टेन ओ कलॉक एंड क्वेश्चन मार्क हियर हैव द गेस्ट्स बीन वेटिंग फॉर मील सिंस टेन ओ क्लॉक अब देखें यह पॉइंट ऑफ टाइम है टेन ओ क्लॉक अगर यहाँ दस घंटे से होता फिर हमने लिखना था फॉर टेन आवर्स अब दस अब दस बजे से है तो हमने लिखा सिंस टेन ओ क्लॉक और दस घंटों से हो तो फॉर टेन आवर्स सेंटेंस नंबर एटीन मरीज़ मंगल से दवाई क्यों नहीं खा रहा है वट इज़ द फर्स्ट स्टेप एंडिंग वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रहा है साथ मंगल से आ गया पॉइंट ऑफ टाइम है तो ये टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुअस टेंस अब देखना है इसका सेकेंड स्टेप में इसका सब्जेक्ट क्या है मरीज़ मरीज़ की इंग्लिश पेशेंट पेशेंट के साथ हम हैज़बीन यूज़ करते हैं और यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है क्यों वाई हम क्या करेंगे क्यों को हम समझेंगे यहाँ नहीं है अब सेंटेंस बना मरीज़ मंगल से दवाई नहीं खा रहा है हम इसका पहले सिंपल बनाएँगे द पेशेंट हैज़ बीन इंट्रोगेटिव हैज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे हैज़ द पेशेंट नॉट बीन उससे पहले हम वाई लगा देंगे वाई हैज़ द पेशेंट नॉट बीन टेकिंग मेडिसन सिंस ट्यूसडे वाई हैज़ द पेशेंट नॉट बीन टेकिंग मेडिसन सिंस ट्यूसडे सेंटेंस नंबर नाइनटीन वो कल रात से बुखार का शिकार रहा है रहा है कल रात से तो ये टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुअस टेंस और इसका सब्जेक्ट क्या है वो वो की इंग्लिश ही ही थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है इसके साथ हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं ही हैज़ बीन सफ़रिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट ही हैज़ बीन सफ़रिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सेंटेंस नंबर ट्वेंटी लड़कियां तीन दिन से शादी के गीत गा रही हैं वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रही हैं और यहां तीन दिन से मुद्दत की तरफ इशारा है ड्यूरेशन है तो ये टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और देखना है सेकेंड स्टेप में इसका सब्जेक्ट क्या है लड़कियाँ इट मीन्स गर्ल्स गर्ल्स प्लूरल नाउन है उसके साथ हम हैव बीन यूज़ करते हैं द गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग द वेडिंग सॉन्ग्स फॉर थ्री डेज द गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग द वेडिंग सॉन्ग्स फॉर थ्री डेज दैट्स ऑल ऑफ टू डेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू एडवाइज यू टू वॉच एंड लिसन दिस लेक्चर वंस अगेन After watching the video lecture once again if you face any problem if you have any question dear students you may comment in the comment section below i'll be there to support you i'll be there to answer your questions till some next lecture take a very good care of yourself thank you very much